अंजुमन ए जाफरिया कमेटी पुंछ की ओर से इमाम बारगाह में पाकिस्तान के खिलाफ किया गया प्रोटेस्ट। पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले चंद अफराद को, 11 अफराद को शहीद किया गया करते हुए रूनमा हुआ है, इसके मुतल्लिक एक पुरजोर और मजम्मती पैगाम आप हजरात तक पहुंचाना चाहूंगा। मैं इसके दौर में एक चीज आपकी खिदमत में अर्ज करूं और जिसमें हमारे मुखातब तमाम उम्मत मुस्लिमा है, मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, ये इस्तेमारी ताकतें जो इस्लाम और मुस्लिमीन की मुखालिफ ताकतें हैं, जिन्हें हमेशा इस चीज का उन्होंने कसम खा रखी है कि मुसलमानों को जुल्म और इस्तेदाद के पंजे में जकड़ा जाए, उनके ऊपर जुल्म जारी रखा जाए, ये उसी कड़ी का एक सिलसिला है जो इस वक्त पाकिस्तान में रोनमा हुआ है। तकफीरियत जो चुनी जाती है, सल्फियत जो इस वक्त पूरी दुनिया में बदतरीन चेहरे के साथ पहचानी जाती है, ये वहाबीज्म की एक कड़ी है जिसमें बहुत सख्त तरीके से जो है हर मुसलमान को। जब हमारे अजीम शहीद कासिम सुलेमानी ने तकफीरियत का और दाइशियों का कलाकमा किया था, इराक, लेबनान और सूरिया शाम से उनको खदेड़ा था, उन्हें मिटाया था, उनकी बची खुची कुछ ये नजासतें अमेरिका और उनके हामियों ने ला करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान में छोड़ी थी, उनका वजूद यहाँ पर रहने से अमेरिका अपनी इस्तिकबारी ताकत को वहां पर जारी रख सके। आज अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से मस्जिद अली के अहाते में एक एहतजाजी जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। चंद रोज कबल पाकिस्तान के क्वेटा शहर में हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले कानकनी में मसरूफ चंद निहत्ते अफराद पर खुदिलाना हमला करते हुए उनमें से 11 अफराद को शहीद किया गया और मुतअद्दिद अफराद को ज़ख्मी किया गया, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंद से और बैनुल अक्वामी तंजीमों से ये अपील करते हैं कि वो पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव डालें ताकि उन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।
अब गुजारिश होगी मौलाना साहब से कि वो अपना बयान। अंदर एक बहुत जुल्म और इस तरह से बदतरीन जो वाकया पेश आया है, इसकी एक कड़ी जो पूरी दुनिया में इस वक्त फैली हुई है दाइश की और ISIS की, जिसका सरगना और जिसका पुश्तपना अमेरिका और इसराइल हैं, वो चाहते ये हैं कि इलाके में, खित्ते में नाअमनी पैदा की जाए, उम्मत मुस्लिमा को आपस में लड़ाया जाए, शिया सुन्नी का फसादात फैलाए जाएं, लेकिन उसका एक ही पीछे एक ही ताकत है कि जो इन सबको हवा दे रही है और अपनी मौजूदगी का यहाँ पर खित्ते में रहने का जो है जवाब पैदा कर रही है। और ये यकीन जानिए कि बैन अल-अक़वामी जितनी तंजीमें हैं या हुकूमतें हैं, वो इस चीज़ को जान चुकी हैं और अमेरिका के इन पिट्ठों को शिकस्त मिल चुकी है। अब इनको यहाँ पर जो है बार बार इस तरह की गलतियाँ करने से इनको कैफरे किरदार तक पहुँचने में कोई देर नहीं है। लिहाजा ये इंसानियत का कल कत्ल किया गया है, मजलूमों को कुंद खंजर से काम करते हुए कानकनी के आलम में पकड़ करके ज़िबा कर देना, पकड़ करके कत्ल कर देना, ये बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और इससे कोई भी तंजीम जो जुड़ी हुई है वो क्या चीज़ साबित करना चाहती है, ये जुल्म है और इसके ख़िलाफ़ हर हुकूमत को, हर हुक्मरान को उठना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं यहाँ अपनी इस मीडिया के ज़रिए से हुकूमत हिंदुस्तान से ये गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि वो इस जालिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में अपना रोल अदा करे और बिलखसूस पाकिस्तान की हुकूमत की मजम्मत करते हैं, उसकी सख्त निकोहिश करते हैं कि उन्होंने अब तक जो है इन मजलूमीन के हक में कोई ज़रा सी कोई एक हरकत नहीं की है और उन्होंने जो है अब तक काफिर को, जालिम को नहीं पकड़ा है। अब अगर जालिम नहीं पकड़ा गया है तो इसका मतलब है हुक्मरान खुद जालिम के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा यहाँ पर इस तरह का कोई मसला उम्मत मुस्लिमा में पेश आने वाला नहीं है, इसके कारिंदे साफ जाहिर हैं और तमाम हुकूमतों को ये चाहिए कि उन्हें इस कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ये इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुल्म है। इस बात में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो अंजुमन जाफरिया के बैनर तले आपने जो है हमारे बयान को सुना, और ज़रूर इस कलम में ताकत है कि ये जालिम को उसके कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी।